नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज बात करने वाला हूँ प्रेगनेंसी के अंदर आपको सेक्स रिलेशन बनानी चाहिए या नहीं। मतलब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है, उसके बाद आपके मन में बहुत से सवाल आते हैं कि यार अभी हमको जो है फिज़िकल रिलेशनशिप रखने चाहिए या नहीं, और रखने चाहिए तो कौन सी कंडीशन में रखने चाहिए, कौन से ट्राइमेस्टर में रखने चाहिए। जैसे प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट 3 मंथ को जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड 3 मंथ को जो है सेकंड ट्राइमेस्टर, और जो थर्ड लास्ट के जो 3 मंथ होते हैं उनको थर्ड ट्राइमेस्टर बोला जाता है। तो उनके मन में सवाल होता है कि कौन से जो ट्राइमेस्टर के अंदर सेक्स जो करना जो है एकदम सेफ रहता है और उनको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो बातें होती हैं थोड़ी प्राइवेट बातें होती हैं और वो डॉक्टर से पूछने में भी थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो मैं जो है अपना खुद का एक्सपीरियंस जो है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं खुद जो है शादीशुदा हूँ और अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च भी की है और थोड़े कुछ पॉइंट जो है मैंने पढ़े भी हैं, उसके पूरा जो है मैं निचोड़ जो है आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी को मैं जो है अलग अलग ट्राइमेस्टर में आपको समझाऊंगा। फर्स्ट के 3 महीने, सेकंड के 3 महीने और थर्ड के 3 महीने, उनमें आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। बात करते हैं पहले 3 महीने। पहले 3 महीने के अंदर सबसे पहले अगर आप ये सोचते हैं कि फर्स्ट 3 महीने के अंदर मैं अगर सेक्स करता हूँ या करती हूँ तो उसमें जो है मुझे अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये बिल्कुल मिथ है, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, कोई भी आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डॉक्टर की तरफ से आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है प्रिकॉशन के लिए, तो आपकी जो है प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल है और आप जो है सेफली सेक्स कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी बात करें कि प्रेगनेंसी के अंदर जब स्पॉटिंग हो जाती है, थोड़ी बहुत हल्की स्पॉटिंग हो जाती है सेक्स के बाद, तो उसमें सोचते हैं कि मेरे जो है अबॉर्शन हो रहा है। देखिए जो आपका सर्विक्स होता है वहाँ से जो है हल्की स्पॉटिंग होना, मतलब एक दो बूंद गिरना और हल्की स्पॉटिंग होना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी लंबे समय तक आपको स्पॉटिंग हो रही हो और स्पॉटिंग जो है आपको बहुत ज़्यादा हो रही हो, वैसे प्रेगनेंसी के अंदर स्पॉटिंग होना जो है अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको अगर स्पॉटिंग होती है बहुत ज़्यादा, नॉर्मल का मतलब एक दो बूंद होता है, अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपको अवॉइड करना चाहिए, अपने डॉक्टर से जाके आपको मिलना चाहिए। अगली एक और बात है दोस्तों कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर इंटरकोर्स से जो है अंदर जो बेबी है उसको जो है प्रॉब्लम हो सकती है या उसको जो थोड़ा सा हर्ट हो सकता है, तो इसमें भी बिल्कुल सच्चाई नहीं है। देखिए जो बेबी जो होता है वो माँ के पेट के अंदर एक थैली के अंदर होता है और उसमें भी जो है लिक्विड भरा होता है, जिसको पानी बोला, एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है, नॉर्मल भाषा में उसको पानी बोल देते हैं। तो वो जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो बच्चे के लिए सक्शन तो नहीं बोले, सस्पेंशन की तरह काम करता है। सस्पेंशन आप जानते हैं, गाड़ियों में सस्पेंशन होता है जिससे जो है शॉक एब्जॉर्बर जिसको बोला जाता है, तो वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। तो इससे बच्चे को बिल्कुल भी हर्ट नहीं होता है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरे इंटरकोर्स से बच्चे को हर्ट होगा तो आप जो है बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगली एक और बात है दोस्तों कि प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी पोजीशन सेफ रहती है। तो देखिए सेफ में ऐसा है कि प्रेगनेंसी के अंदर जो है आपको एक तो पीठ के बल जो पोजीशन होती है उसमें आपको जो है बिल्कुल भी जो उसको अवॉइड करना चाहिए, उसमें आपको इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो फिर भी दोस्तों आप अगर ये पोजीशन ट्राई करें तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन जो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें क्या होता है कि फिर आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो पीठ के बल वाली जो पोजीशन होती है उसको आप बिल्कुल अवॉइड करिए। ये बातें तो हैं दोस्तों फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। अभी बात करता हूँ मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। देखिए दोस्तों सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब महिला आती हैं तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या है, उसका थोड़ा पेट भी बढ़ जाता है, थोड़ा वजन भी बढ़ जाता है। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको पीठ के बल आपको जो है ये पोजीशन ट्राई नहीं करनी चाहिए, स्पेशली अगर आपने फर्स्ट 3 मंथ में अगर ट्राई भी कर भी ली है तो उसको छोड़िए आप, लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको बिल्कुल भी ये पोजीशन ट्राई नहीं करनी है। कारण मैं आपको बताऊं तो देखिए क्या है कि आपका जो बच्चा जो होता है यूट्रस के अंदर जो ब्लड आता है, वो ब्लड की जो नलियां होती हैं वो यूट्रस के अंदर जब आप पीठ के बल लेटे होते हैं तो यूट्रस
का जो पूरा भार, बच्चे का भार होता है, वो आपके रीढ़ की हड्डी की तरफ चला जाता है, जिससे जो नसें होती हैं वो दबने का खतरा रहता है। नसें आपकी दब जाती हैं, जिससे यूट्रस के अंदर ब्लड अच्छी तरीके से नहीं आ पाता है। ब्लड का सर्कुलेशन जो यूट्रस के अंदर ज़्यादा होना चाहिए, प्रेगनेंसी के अंदर वैसे भी जो बॉडी का जितना भी ब्लड होता है वो यूट्रस की तरफ उसका फ्लो ज़्यादा होता है, तो वो फ्लो रुक जाता है और उसकी वजह से आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। दूसरा कारण ये है कि अगर सारा भार आपका पीठ के बल आ जाएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी पे आ जाएगा, तो आपको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपको जो है रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर भी हो सकता है, या फिर जो है रीढ़ की हड्डी में जो है तनाव भी हो सकता है आपका। तो इस प्रकार से आप जो है ये पोजीशन बिल्कुल भी ट्राई नहीं करें, पीठ के बल आप नहीं करें। बाकी आप जो भी पोजीशन आपको अच्छी लगे, आप कपल दोनों की सहमति से आपको जो भी पोजीशन अच्छी लगे वो जो है आप ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की, यानी आपका अंतिम के जो 3 महीने होते हैं, 7वां, 8वां, 9वां महीना, उसकी बात करें तो इसमें देखिए वजन भी बढ़ गया है, बच्चे का साइज भी बढ़ गया है, और माँ के अंदर भी जो है डिलीवरी के जो सिम्टम वगैरह होते हैं वो भी आने चालू हो जाएंगे, उनके हार्मोनल भी चेंजेस हो जाएंगे। तो वैसे महिलाओं में इतनी जो है सेक्स की इच्छा नहीं होती है उस टाइम, तो आप जो है सबसे पहले तो आप अपनी जो है संतुष्टि के लिए महिलाओं को फोर्स बिल्कुल नहीं करें। अगर आप दोनों की सहमति हैं तो आप जो हैं 7 और 8 महीने में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ कि अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें जो है आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आप देखिए, सबसे पहले तो है सर्विक्स इनकॉम्पिटेंस, मतलब आपके सर्विक्स का साइज जो है वो बढ़ गया है या शॉर्ट सर्विक्स हो गया है, इस प्रकार के अगर आपके डॉक्टर प्रॉब्लम आपको बताते हैं तो उसमें आपको बिल्कुल भी जो है सेक्स नहीं करना चाहिए। दूसरा है, अगर आपको जो है वेजाइना के थ्रू जो है आपको थोड़ा सा पानी आना आपका चालू हो गया है, या फिर जो है आपके वेजाइना के ऊपर थोड़ा पेल्विक मसल्स जो होती हैं उसमें आपको एंठन वगैरह हैं, आपको थोड़ा सा पेन वगैरह हैं, तो इन दोनों स्थितियों में भी आपको जो है सेक्स बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तीसरा है कि अगर आपको स्पॉटिंग दिखे या आपको ब्लीडिंग वगैरह होने लग जाए प्रेगनेंसी के अंदर, तो ये बहुत बड़ा इशू होता है, इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करें और सीधा जो है डॉक्टर से जाके आप मिले। अगला होता है दोस्तों, अगर आपके जो गर्भनाल होती हैं वो बच्चे की, वो जो गले के अंदर लिपटी हुई होती हैं, तो उस स्थिति में भी जो है डॉक्टर आपको बता देते हैं, जब आप सोनोग्राफी करवाते हैं तो आपको बता देते हैं कि गर्भनाल जो है गले के अंदर लिपटी हुई है, उस स्थिति में भी जो है आपको सेक्स बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। एक होता है दोस्तों, आपके जो बच्चा जो है, बच्चे की जो स्थिति होती है वो जो है बच्चे का सर ऊपर की तरफ है और पैर जो है आपके वजाइना की तरफ हैं, तो उस स्थिति में भी जो है आपको सेक्स जो है बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल स्थिति होती है उसमें बच्चे का सर जो है वजाइना की तरफ होता है और पैर जो है ऊपर की तरफ होते हैं, वो स्थिति आइडियल स्थिति होती है। लेकिन किसी कारणवश अगर वो स्थिति नहीं होती है और आपको दूसरी स्थिति होती है, भी जो है आपको जो है सेक्स जो है बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने मेडिकल टर्म का इस्तेमाल बहुत कम किया है, तो आप जो डॉक्टर को जाके अच्छे पूछ लीजिए, क्योंकि मेडिकल टर्म में अच्छे से यूज़ करूँगा तो आपको जो है उतने समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि शुद्ध हिंदी का वीडियो है तो हिंदी में ही बताना मैं चाहता हूँ आपको, तो इसलिए मैंने सभी बातें जो है हिंदी में बताई आपको। एक बात और है कि पहले से ही अगर आपके प्रेगनेंसी जो है मिसकरेज हो चुका है, आपके बहुत आपके 2-3 प्रेगनेंसी हुई हैं या पहली प्रेगनेंसी थी वो भी मिसकरेज हो गई है, तो उस स्थिति में भी आपको सेक्स अवॉइड करना है। तो ये कुछ बातें हैं, इनका ध्यान रखिए। और कुछ मेरे से छूट गया हो या आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो जो मैं आपसे नहीं बता पाया हूँ, तो आप बेझिझक जो है नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं हो सके तो कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा, और नहीं तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा स्पेशल और आपका जो है क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।